हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सबको बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस, लगता है मेरा ये सीज़न चल रहा है रिक्वेस्टेड वीडियो का, क्योंकि मुझे और एक रिक्वेस्ट आया है फ्रेंड्स, एंड वो और भी एक दो रिक्वेस्ट है जो मुझे पूरा करना है। सो गाइस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप सभी का रिक्वेस्ट को पूरा करूँ। हो सकता है कुछ एक दिन आगे पीछे हो जाए, तो इसके लिए आप कुछ बुरा मत मानना गाइस। सो आज का जो रिक्वेस्टेड वीडियो है, वो सरोजिनी नाम का मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया है हैंकी टक का, जो मेरा इसके बारे में और एक वीडियो पहले ही आ चुका है, जो हैंकी टक हाउ टू टक हैंकी इन साड़ी बोल के। तो उसमें उन्होंने जो बताया, उसमें उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप कुछ ऐसा वीडियो बनाओ जो तो डिफरेंट टाइप्स का हो हैंकी टक्स, एंड स्क्वायर शेप में एंड रेक्टेंगल शेप में जो टक कर सकते हैं, एंड साड़ी के अंदर होना चाहिए और बाहर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पिछला वीडियो में जो जब मैं बनाई थी वो बाहर दिख रहा था। सो आज मैं बताने वाली हूँ साड़ी के अंदर का हैंकी टक। सो गाइस, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि कोई भी यूट्यूबर अभी तक आपको बताया नहीं होगा, जो कि हैंकी टक के ऊपर में जो लोग वीडियो बनाए हैं। सो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं वीडियो। सो गाइस, आप लोग कोशिश करो कि आप जो कलर का साड़ी पहने हो उसी कलर का सेम कलर का हैंकी लो, ताकि इससे क्या होगा, अगर आप सेम ब्लू कलर का साड़ी पहने तो ब्लू कलर का अगर हैंकी लोगे तो उतना दिखेगा नहीं है, मतलब उतना साड़ी कलर मैच हो जाएगा तो उतना हैंकी आपको दिखेगा नहीं, चाहे अंदर हो या बाहर हो, कुछ भी उतना पता नहीं चलेगा। सो गाइस, मैं आज ये हैंकी लेने वाली हूँ। सो इसको पहले हम करेंगे स्क्वायर शेप में। सो गाइस, स्क्वायर शेप में करने के लिए जस्ट सिंपली आपको ऐसा करना है, ये देखिए फोल्ड करके, ये देखिए। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे हर दिन हैंकी यूज़ करना होता है, एंड तो मुझे आप बताइए कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, ये स्क्वायर में कर ली। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको और एक फोल्ड करना है, एंड जब इसको आप जब डालोगे तो ये ऑलरेडी अंदर रहेगा गाइस, तो इसको छोटा स्क्वायर हो जाएगा, देखिए। सो मैं आज प्लेट्स नहीं डाली हूँ, खुला छोड़ी हूँ, तो आप चाहे तो प्लेट्स में भी यूज़ कर सकते हो गाइस। सो गाइस, क्या करना है, थोड़ा सा अंदर ले लेना है, ये तरफ थोड़ा सा बीच में ले लेना है, तो गाइस ये देखो, अगर आप बीच में करोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, अगर आप फ्री प्लेट्स भी छोड़े हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये देखो। तो जब आपको ज़रूरत होता है होगी तब आप निकाल के सिंपली ऐसे मुंह सब वगैरह पहुंच सकते हो। सो गाइस, ये एक ऐसा तरीका है, एंड नेक्स्ट जो तरीका है फ्रेंड्स, इसको सिंपली आपको रेक्टेंगल में बता रही हूँ मैं अभी। सो गाइस, इसको क्या है, दो कॉर्नर आपको ज्वाइन करना है, ये देखो करके, उसके बाद जस्ट सिंपली आपको ऐसे एक फोल्ड कर लेना है, ये देखिए। आप ऐसा भी रख सकते हो बट इतना नीट नहीं दिखेगा, तो सिंपली उसको क्या करो, और एक फोल्ड कर दो, ज़रा से टक करिएगा, ये देखिए। इसको भी आप बीच में डाल दो, ये देखो गाइस इस तरीके से दिखेगा, इसमें भी आपको देखिए पता नहीं चलता है। सो ऐसे रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप हैंकी टक करे हो, क्योंकि ये बीच में डाले हो। तो गाइस, और एक तरीका मैं बता रही हूँ, सिंपली गाइस आपको क्या करना है, ये बीच में दो कॉर्नर को आपको ज्वाइंट करना है, कॉर्नर को ज्वाइंट करके, ये देखिए दो कॉर्नर को ज्वाइंट करना है, ज्वाइन करके सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से भी आप डाल सकते हो, ये देखिए। सो गाइस, ये भी आप इस तरीके से बीच में आपको लगा लेना है, ताकि आपको नहीं दिखे। देखो गाइस, को दिख नहीं रहा होगा,
एंड अगर आप प्लेट्स लोगे तो ये देखिए ये हो गया तीन तरीका गाइस। सो गाइस मैं अभी और एक तरीका आपको बताने वाली हूँ। ये है आपका पिंक कलर का रुमाल, ये देखिए इसको जस्ट सिंपली देखिए इसको जस्ट सिंपली बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपको देखिए ऐसे करना है एंड ये जो गैप है ये जो देख रहे हो आप गैप इसको जस्ट ऐसे फोल्ड कर देना है। देखो देखो कितना अच्छा दिख रहा है। देखो तो इसको जस्ट सिंपली ऐसे आप डाल सकते हो। देखो बस लास्ट में मेरा जो ट्रिक है ये देखिए, जिस सिंपली आपको ऐसे फोल्ड करना है रुमाल को बीच से, उसके बाद जो जैसे मैं पहले बताई थी ऐसे आपको करना है एंड इसके बाद इस तरीके से आपको करना है एंड करके इसमें क्या होता है फ्रेंड्स ये देखिए थ्री आपका फोल्ड आ जाएगा, एक दो एंड ए बैक में और एक है, देखो बैक में एक सामने एक यहाँ पे एक। सो गाइस क्या होता है इसमें आप एक फोल्ड में जैसे देखो बैक में आप क्या कर सकते हो, एक पाउडर लेके जो भी आप पाउडर यूज़ करते हो जो कि खुशबू हो, मतलब फ्रैग्रेंस वाला पाउडर जो कि खुशबू वाला पाउडर आप इसमें डाल सकते हो। देखो इसमें मैं डाली हो, देखो इसमें सिंपली जस्ट डाल के आपको ऐसे करके आप रख सकते हो। तो इससे क्या होगा गाइस, तो आप एक एक पार्टीशन से आप अपना मुंह पोंछ सकते हो, जो कि स्वेट आप करते हो पूरा दिन, अगर आप स्कूल में रहते हो या तो बाहर जॉब करते हो तो पूरा दिन आपको पसीना होता है, तो गाइस एक पार्ट से आप अपना पसीना पोंछ सकते हो और एक पार्ट से अगर आप फेस वॉश वगैरह करते हो तो वो पानी आप पोंछ सकते हो और एक पार्ट से जो पाउडर आप रखे हो पाउडर को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये है एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसा लगा और आप यूज़ करते हो कि नहीं और करोगे कि नहीं। बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर से करिएगा एंड बेल बटन को साथ ही साथ ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। ओके गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।